Hello everyone, welcome back to the channel of Broadway A2E Academy. This is Vimalpreet Kaur और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया personal pronouns के बारे में कि personal pronouns को कहाँ use करना है और उसमें बच्चे किस तरह से गलतियाँ करते हैं. आज मैं आपको बताऊँगी कुछ other type of pronouns के बारे में जिसमें बच्चों को वो जो pronouns बच्चे use करेंगे जब अपनी English में तो उनको ease रहेगा अपने sentences को बनाने में. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव वर्ड जो है उसका मतलब होता है क्वेश्चंस पुट करना. नाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दे आल्सो आस्क क्वेश्चंस. किसी भी क्वेश्चन को पुट करने के लिए हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. अब प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव्स कैसे यूज होंगे? हुम, हाउ, व्हाई, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज कर सकते हैं. Then the next type of pronoun is reflexive pronouns. Reflexive means reflection. जो भी action हो रहा है जब उसका reflection होगा वो reflects करेगा हमारी ही तरफ, उसको हम reflexive pronouns कहते हैं. Reflexive pronouns में words आते हैं self या फिर selves. अब self जो word है वो use होता है singulars के लिए और selves word use होता है plurals के लिए. For example, I am teaching and this is helpful for myself. Now, myself से जो सेंटेंस एंड हुआ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और ये मेरे लिए भी हेल्पफुल है. तो इस तरीके से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो मेरे ही एक्शन को रिफ्लेक्स कर रहा है मेरी ही तरफ. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेंसिल. नाउ दिस ये है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी भी चीज़ की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी भी चीज़ की तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये पेंसिल जो है और ये जो पेन है ये मेरा है. दिस इज द रिफ्लेक्सिव, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हियर. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव से हम जानते हैं कि पजेसिव क्या होते हैं. पजेसिव शोज द ओनरशिप ऑफ एनी थिंग ऑन अदर थिंग. अब हमारे पजेसिव कैसे हम शो कर सकते हैं? दिस इज माई पेन, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है पजेसिव प्रोनाउन का. ये पेन मेरा है, उस पे मेरा हक है. आई एम द ओनर ऑफ दैट पेन. इस तरीके से जो पजेसिव प्रोनाउन है वो वर्क करते हैं. इसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट पर्सन के लिए अलग तरीके से वर्ड यूज होंगे, सेकेंड के लिए अलग और थर्ड पर्सन के लिए अलग तरीके से पजेसिव प्रोनाउन यूज होते हैं. पजेसिव प्रोनाउन हमने सिर्फ वहाँ पे यूज़ करने हैं जहाँ पे हम बता रहे हैं हमारी किसी चीज़ के बारे में, हमारे घर के बारे में, हमारे पेन के बारे में, हमारे बुक्स के बारे में. सिर्फ वहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे. हम किसी और का जब बता रहे हैं किसी और के पजेसिव के बारे में, उस टाइम पे हमने पर्सनल प्रोनाउन के जो पजेसिव आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के जो वर्ड्स आते हैं वो हमने पजेसिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं करने. तो ये चार टाइप ऑफ प्रोनाउन्स जो हैं वो आज मैंने आपको समझाए हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको समझ में आया हो कि ये चार टाइप ऑफ प्रोनाउन्स को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, तो उन्हें यूज़ करना स्टार्ट कीजिए. ट्राई कीजिए कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करें ताकि आपको ईज रहे सेंटेंसेस बनाने में और आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अगर कोई और डाउट या क्वेरी है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. थैंक यू.